तो भाई लोग सब कैसे हो? आगे हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आज हम आपको बताएंगे कि हम अगर अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड स्टीरियो लगाएं उसको किस तरीके से लगाएंगे, उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। ये देखो, ये हमारे पास है फार्मूला कंपनी का एंड्रॉयड स्टीरियो, और ये इसके साथ एक हमारा कपलर है और एक कपलर ये है, और ये इसके साथ ये कुछ इस तरीके से वायरिंग है। ये इसलिए है कि हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी गाड़ी में लगा रहे हो इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले ये तो कपलर टू कपलर होता है, कपलर टू कपलर कोई भी लगा देगा, पर हमें क्या है, हमें वायरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारे पास कपलर नहीं है तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, तो उसकी वायरिंग किस तरीके से होगी, इसकी कनेक्शन किस तरीके से होंगे, इसको किस तरीके से लगाते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। ये देखो, जैसे हमारे पास ये कपलर है, इसमें जो ये हमारी ऑरेंज कलर की वायर होती है, जो हमारी येलो कलर की वायर होती है, ये होती है हमारी बैटरी वाली, और जो होती है इसमें एक रेड कलर की, ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की, ये होती है हमारी चाबी वाली। इसको क्या करते हैं, हम इसको लगाते हैं हम चाबी वाली के साथ, इसको लगाते हैं हम डायरेक्ट जो जिसमें हमारा बैटरी का करंट आता है, येलो वाली उसके साथ लगती है, और रेड वाली लगती है हमारी चाबी वाली के साथ, और जो ब्लैक है ये ब्लैक लगती है हमारी ग्राउंड। ये तीन वायरें जब हमारी लग जाएंगी तो उससे क्या होता है, उससे हमारा स्टीरियो ऑन हो जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हमारे पास सप्लाई है, ये हमने रेड और येलो ये दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, और ब्लैक को कर दिया हमने ग्राउंड, क्योंकि यहाँ हमारे पास सप्लाई है तो 12 वोल्ट की, तो आपको चेक करने के लिए, और इसको करेंगे हम सेट को ऑन करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा सेट ऑन हो गया, खाली हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन देंगे, स्टीरियो हमारा ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन काम है हमारा, वो है हमारा सेट ऑन करने का। जब हमारा सेट ऑन हो गया तो फिर ही हम इसके बाकी कनेक्शन कर पाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा सेट ऑन हो गया, ठीक है। स्टीरियो सबसे पहले हम, जो हमारा मेन काम है स्टीरियो ऑन का, स्टीरियो हो गया। अब इसके जो स्पीकर का कनेक्शन है, स्पीकर के कनेक्शन से किस तरीके से करेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ वायरिंग है, मैं आपको इस कपलर में भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये हमारे जो एक एक रंग की वायरें होती है ना, ये हमारे एक स्पीकर की होती है। जैसे ये देखो आप, ये हैं दो हमारी वाइट कलर की, एक है हमारी सिंपल वाइट वायर वाली तार, और एक है हमारे वाइट कलर पे ये ब्लैक कलर की तार, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एक स्पीकर की वायर है। और इस पे देखेंगे हम, इसमें हमें मिल जाएंगी दो ये पर्पल कलर की, ये देख सकते हैं, एक आ गई हमारी सिंपल पर्पल कलर की, और एक पे है पर्पल पे ब्लैक धारी, ये आपको मैं अब ध्यान से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं, ये आ गई हमारी दो वायरें, फिर इसमें हमारी तीसरी वायर आती है, ये देख सकते हैं, तीसरी वायर आती है हमारी ग्रीन कलर की, ये देख सकते हैं, ये एक है हमारी ग्रीन कलर की, और एक है हमारी ग्रीन पे ब्लैक कलर की, ये हमारे हो गए तीन स्पीकर। और जो हमारी चौथी वायर है, चौथी वायर आती है हमारी ग्रे कलर की, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्रे कलर आ गया, और एक वायर है हमारी ये ग्रे पे, ये आ गई ब्लैक दारी, ये आप देख सकते हैं, ये जैक में आप देख सकते हैं, ये एक एक स्पीकर की वायरें, ये दोनों एक ही जैक में होती हैं, ये देखते हैं, ये हमारा एक स्पीकर आ गया, एक वायर इसकी ऊपर आया एक नीचे है, और ये हमारा दूसरा स्पीकर आ गया, इसकी एक वायर ऊपर आया एक वायर नीचे। अगर हमें कोई भी स्पीकर हमें लगाना है तो हमको क्या करना है, हमको दोनों वायरें एक ही कलर की तार से लगानी, जैसे अगर हम कोई भी स्पीकर लगा रहे हैं तो उसकी हमें दोनों तारें वाइट कलर से लगा रहे हैं हम, तो पॉजिटिव वाली वायर से लगानी है, तो जो स्पीकर की नेगेटिव वाली होती है वो भी वायर से लगानी है। ये नहीं है कि एक वाइट पे लगा दी एक ग्रीन पे लगा दी, उससे क्या होता है, उससे हमारा स्पीकर शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये देखो, ये हमने अपना जैक लगा दिया है, ये हमारा एक स्पीकर है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की इसकी एक वायर ये आ गई हमारी एक स्पीकर पे, और जो ग्रीन कलर की ये दूसरी वायर है, ये देख सकते हैं, ये ग्रीन पे ब्लैक वाली ये आ गई हमारी, तो एक इसकी एक वायर भी ये इसी स्पीकर पे लगी, तो ये दो वायरें होती हैं एक स्पीकर की। इसी तरह इसमें होती हैं हमारी आठ वायरें जो होती हैं वो होती हैं हमारी चार स्पीकर की। तो हम आपको चेक करके बताते हैं, हम ऐसे कुछ भी लगा देंगे, जैसे कि हम कोई गाना लगा देंगे, ये देखो, तो इस तरीके से होती है स्पीकर की वायरिंग। तो स्पीकर की वायरिंग का तो आपको पता लग गया, ये जो इसमें आठ कलर की तारे, जो हमारी इसमें आठ तारे होती हैं, आठ तारे इसमें खाली हमारी स्पीकर की होती हैं। फिर बची हमारी ये ब्लू कलर की वायर, ये देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की वायर होती है हमारी एंटीने की, जैसे कि इस जैक में है, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से ज्वाइंट होती है, और जो ये वाला हमारा होता है ये जैक, ये लग जाता है सीधा हमारे FM पे, ये देखो, ये FM सिग्नल के लिए होता है, ये देखो, ये इस तरीके से, तो ये ब्लू वाली वायर हमारी ये आ गई। फिर इस पर एक वायर बचती है हमारी, ये देखो, ये पिंक कलर की वायर होती है, ये रिवर्स गियर की, अगर हम गाड़ी में बैक कैमरा लगा रहे हैं, जैसे ही हम इसको कनेक्शन देंगे, ये देखो, ये पिंक कलर की वायर को, ये हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, ये देखो ये इस तरीके से। और जैसे ही हम अपना बैग निकालेंगे, ये मैंने वायर हटाई, ये देखो, ये हमारी नॉर्मल मोड में आ जाएगी। तो ये पिंक कलर की वायर का ये होगा, जो पिंक कलर की वायर होती है, जो हमारी पिंक कलर की वायर होती है, ये आ गई हमारी बैक कैमरे की,
फिर इसमें बची हमारी एक ऑरेंज कलर की वायर। ऑरेंज कलर की वायर जो लगती है ये होती है हमारी डिम लाइट के कनेक्शन के साथ। इसका लगाने का क्या काम है, जैसे कि रात है, रात को क्या होता है कि इसकी जो लाइट होती है वो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे मैं इसका कनेक्शन करूँगा, ये देखो ये जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन की लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी, ये देखो आप, ये आप देख सकते हैं। और जो ये वाले बटन होते हैं वॉल्यूम वाले, इनमें क्या होता है, इनमें लाइट चलना शुरू हो जाती है। थोड़ा पास से दिखाएं सर, ये देख सकते हैं ये लाइटें चलना शुरू हो गई। ये देखो जो ये हमारे स्विच हैं, ये स्विच में लाइट आ जाती है, ये देखो। अब मैं जैसे इस वायर को हटाऊंगा ये इसकी लाइट बंद हो जाएगी, ये देखो। और जो हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस है, हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है। ये है आगे इस पर हमारी ऑरेंज कलर की वायर। आप जो सेट लगा रहे हो उसमें क्या हो सकता है, उसमें वायर का कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाती है हमारी, ये देखो थोड़ा पास आए, ये जो हमारे स्टीरियो है इसके साथ एक ये ब्लैक कलर की वायर लगी है, ग्राउंड वाली, इसके साथ एक पतली सी वायर है। ये होती है, आती है हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए। स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए एक वायर ये है, और एक है इस पे ऑरेंज पे ब्लैक दारी, और एक वायर है इस पे, और एक आ गई हमारी ये ब्राउन कलर की। ये आती है हमारी की वन और की टू की। इससे क्या करते हैं, ऐसे हम जो स्टीयरिंग के जो कंट्रोल के बटन होते हैं वो हम इससे मैच करते हैं, बस रुको। तो ये तो हो गई इसकी वायरिंग। अब इसके साथ कुछ इस तरीके से वायरिंग आती है, ये देख सकते हैं आप। ये जो हमारी वायर आती है, ये जैक लगता है हमारे यहाँ पे। इसका काम क्या है, अगर हमको बेस ट्यूब वगैरह लगानी है, सब वूफर लगाना है, उसमें इसके सारे फंक्शन आते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आ गया अपना, ये देखो ये अपना आ गया ऑडियो आउट एल। तो ये आ गया अपना, कहाँ गया, सॉरी, ये आ गया अपना ऑडियो आर आउट। अगर हमको बेस ट्यूब वगैरह लगानी है तो जो बेस ट्यूब की जो वायरें आती हैं वो दोनों इसमें लगेंगी, ये देख सकते हैं। एक रेड वाली इसमें लगा देंगे और ब्लैक वाली इसमें लगा देंगे। और अगर हमें सबवूफर वाली वायर लगानी है वो हमें इसमें लगानी है, ये देखो इस पर सबवूफर भी लिखा हुआ होता है। और साथ एक एडिशनल माइक भी आती है, वैसे तो उसको फ्रंट में भी माइक आती है, पर इसकी हमें एडिशनल माइक लगानी है वो उसकी यहाँ पर लगती है, ये देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर होल बना हुआ है, ये हमारा वो आ गया। और इसके साथ ये आता है हमारा ये GPS, ये GPS हमारा यहाँ पे लग जाएगा। और सर ये दो वायरें आती हैं इस तरीके से, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पेन ड्राइव वगैरह भी लग जाती है, और अगर हमें अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना वो भी सही हो जाता है। और ये आगे इसकी है कि माइक, और अगर हमें रिवर्स कैमरा लगवाना हो, रिवर्स कैमरे की ये अलग से इसमें एक वायर आती है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और रिवर्स जो कैमरे वाली वायर होती है वो एक यहाँ पर लगेगी, और जो एक का कनेक्शन होगा वो होगा हमारी ये पिंक कलर की वायर, ये देखो इस पर लिखा भी होता है ये बैक, ये वो लग जाएगी हमारी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से इसकी कुछ वायरिंग होती है। और किसी फिर भी किसी भाई को समझ ना आया हो वो भाई हमें कमेंट वगैरह में पूछ सकता है। तो ये इसकी ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से कपलर आता है, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग कपलर होता है, इसमें कलर चेंज भी हो सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं, एक एक वायर करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अपने से आपको कोशिश की कि इस सेट को इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, अपने से मैंने आपको थोड़ी कोशिश की समझाने की। अगर मेरे भाई को किसी फिर भी किसी को समझ ना आया हो वो हमें कमेंट में पूछ सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और वीडियो लाते रहें। शुक्रिया दोस्तों।